नमस्कार दोस्तों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट सेकंड ऑफ साइंस 2 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमारा पेज नंबर 3 तक हुआ था। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट, और मेरे चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबोव मेंशन्ड थ्योरीज इंप्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। देखिए, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि अभी रुक चुकी है, अभी भी वो चालू है। शायद हम जब लाखों साल बाद पृथ्वी पर देखेंगे तो इंसानों का स्वरूप भी बदला हुआ होगा, नए नए प्राणी जन्मे हुए होंगे, नए नए प्लांट्स आ गए होंगे, तो इवोल्यूशन की प्रोसीजर जो है वो अभी भी चालू है। हाउएवर, इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट। फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरीज मेंशन्ड अबव। प्रूफ्स क्या है वो देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस से क्या एविडेंसेस है वो देखेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज बिटवीन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। देखिए, ये कुत्ता है, ये भेड़ है और ये फॉक्स है। तो देखिए, हर किसी के दो कान, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, इसको भी दो कान है, दो आंखें है, एक मुंह है, एक नाक है। देखिए, ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, पत्ते ग्रीन है सभी के, तो ऐसे सिमिलरिटीज हैं। वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज, नाकपुड़ा, एंड ईयर पिनिए मतलब नाक का ये हिस्सा, ये जो पत्ते जैसे होते हैं वो, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, वेयर एज सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर लाइक लीफ शेप। देखिए, लीफ शेप, लीफ वेनेशन मतलब वेंस जो होते हैं लीव्स में। देखिए, ये वेंस है ना, ये उसमें, उसे कहते हैं लीफ वेनेशन। लीफ पेटियोल, पेटियोल मतलब देठ असतं ना पानाचं, त्याला पेटियोल म्हणतात, एटसेट्रा। ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स, दिस इंडिकेट्स दॅट देर आर सम सिमिलॅरिटीज इन दोज ग्रुप्स अँड हेन्स इट प्रूव्स दॅट देअर ओरिजिन मस्ट बी सेम अँड मस्ट हॅव कॉमन ॲन्सेस्टर्स। इनके बीच जो सिमिलॅरिटी है उससे हमें पता चलता है कि उनका ॲन्सेस्टर जो है, पूर्वज जो है, वो एक ही कॉमन हुआ होगा, ऐसा लगता है। एनाटॉमिकल मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जो एविडेंसेस है वो देखते हैं। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पैटेजियम ऑफ बैट। पैटेजियम मतलब जिसका जो विंग होता है बैट का, उसे पैटेजियम कहते हैं। तो देखिए, ये ह्यूमन हैंड है, ये कैट का सामने का पैर है, पैटेजियम विंग है बैट का, वटवागुल, और ये है वेल का फ्लिपर। ठीक है, इनमें से वैसे देखा जाए तो इतनी सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो थोड़े एक दूसरे के साथ वो सिमिलर है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। ये वेल में तैरने के लिए यूज किया जाता है, बैट में उड़ने के लिए, कैट में एक छलांग लगाने के लिए, ह्यूमन हैंड जो होता है वो काम करने के लिए अलग अलग होता है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। However, there is similarity in structures of bones and bony joints in organs of each of those animals. उनके जो बोन के joints है उनमें बहुत ही similarity है हर एक animal में। This similarity indicates that those animals may have common ancestor. Can you tell? One, which are the different organs in body of organisms? देखिए, कौन से organs होते हैं हमारी body में। Kidneys होते हैं, liver होता है, स्टमक होता है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। सेकेंड, इज ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। देखिए, हार्ट का काम होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन, फिर स्टमक का काम होता है डाइजेशन,
ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अपेंडिक्स हमने देखा, विजडम टूथ देखा, तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ यूज़ नहीं होता, वो नॉन यूजेबल हो जाते हैं, वेस्टिजियल जिन्हें कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, देखेंगे उसके बारे में। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। देखिए एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि नए बदलते एनवायरनमेंट के साथ नए ऑर्गन्स जो है वो तुरंत नहीं बनते, धीरे धीरे कई सारी पीढ़ियां जाने के बाद वो धीरे धीरे बनने लगते हैं, ठीक है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन, हाउएवर सम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन मे बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। देखिए कभी कभी एक सिचुएशन में जो यूजफुल ऑर्गन है वो दूसरे सिचुएशन में हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। सच स्ट्रक्चर बिगिंस टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपीयर। हजारों वर्ष लगते हैं नए ऑर्गन्स को डेवलप होने में या पुराने ऑर्गन्स को, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को नष्ट होने में। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपीयरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। देखिए हम में जो वेस्टिजियल्स हो सकते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स वेस्टिजियल हो सकते हैं वो बाकी कई सारे ऑर्गेनिजम्स में काम करने वाले ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, वो उनके बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं होते। अपेंडिक्स विच इज यूजफुल यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जो खाना चबाकर और जो इंटेस्टाइन में जो फर्मेंटेशन के द्वारा नए नए प्रोटीन्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स म्हणजे रवंथ करणारे प्राणी, एनिमल्स दैट कैन रीगर्जेटेट द फूड। आप अपना खाना पेट से बाहर निकाल कर फिर से उसे चबा चबा कर फिर से निगल सकते हैं, वैसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयरपिना, ईयरपिना मतलब ये इसे ईयरपिना कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। देखिए हम में ईयरपिना का कोई फंक्शन नहीं है, हम ईयरपिना हिला नहीं सकते, ईयर को हिला नहीं सकते, लेकिन बाकी एनिमल्स जैसे गाय भैंस कुत्ता वगैरह कान को हिला सकते हैं, उनमें वो यूजफुल होते हैं, लेकिन हम में वो यूजफुल नहीं होते। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयरपिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल फॉर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयरपिना। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, कॉकिक्स, देखिए हमारे इसमें वर्टिब्रल कॉलम के आखिरी छोर पर एक कॉकिक्स नाम का बोन होता है, वो टेल का शुरुआत का बोन होता है ऐसे माना जाता है, ठीक है, लेकिन उसका यूज नहीं है हमारे इसमें। विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। देखिए ईयर मसल्स यहाँ पर होते हैं छोटे से जिनका यूज नहीं होता, विजडम टूथ पीछे के दांत, टेल बोन ये वाला कॉकिक्स जिसे कहा जाता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, देखिए यहां पर कई सारे पिक्चर्स है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजी मतलब प्राचीन काल में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो प्राचीन काल के जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में स्टडी करने के बाद जो एविडेंसेस आए हैं वो देखते हैं इवोल्यूशन का हमें कैसे पता चलता है उनसे। अ क्वेश्चन मे अराइज इन यूर माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हाउ कैन वी टेल दिस। देखिए हजारों साल पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एटसेट्रा। देखिए पुराने जमाने में जो एनिमल्स वगैरह रहते थे वो उन पर फ्लड के कारण वगैरह, महापूर के कारण
या फिर अर्थक्वेक के कारण वो जमीन के नीचे गाड़े जाते हैं, वोल्केनोज के कारण, लावा इरप्शन के कारण वो गाड़े जाते हैं, तो उनके बोन्स वगैरह जो है वो वैसे के वैसे शेप बना लेते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, उनका एक स्टैम्प बन जाता है मिट्टी पर, और वो मिट्टी सॉलिडिफाई होती है और उनसे रॉक बनते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फॉसिल्स। तो वो जब हम जमीन खोदते हैं तब वो फॉसिल्स कई बार हमें पता पाए जाते हैं, तो उनसे पता चलता है कि उस समय में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते थे। जितना नीचे जाएंगे हम उतने पुराने एनिमल्स है ऐसा माना जाता है। रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड, दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स की स्टडी करना इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ एंड सीन्स देन ओनली डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली। देखिए, एक रेडियो एक्टिव कार्बन होता है C14 जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। किससे आता है वो? प्लांट्स को कंज्यूम करने से वो बॉडी में आता है। तो वो क्या होता है कि जब हम कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, एनिमल या प्लांट, तो उसके बाद वो नया कार्बन का सप्लाई बंद हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होते जाती है। तो हाफ लाइफ जिसे बोलते हैं, आपको 11th 12th में जाने के बाद पता चल जाएगा हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव की मटेरियल्स की हाफ लाइफ होती है, तो वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो वो जितना कम उतना पुराना फॉसिल ऐसा माना जाता है। तो उससे हमें पता चलता है C14 आइसोटोप का प्रमाण कितना है, उसमें क्वांटिटी कितनी है, उससे हमें पता चलता है कि वो फॉसिल कितने साल पुराना है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 मतलब नॉर्मल कार्बन नॉन रेडियोएक्टिव चेंजेस कंटिन्यूअसली एज C12 इज नॉन रेडियोएक्टिव। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड। उस मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, मतलब कार्बन के द्वारा तारीख का पता लगाना। इट इज यूज इन पैलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव वंश शास्त्र, इंसानों के बारे में, उन इंसानों का कैसे इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक इट बिकम्स ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर अर्स्टवाइल ऑर्गेनिजम्स। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है वो इनवर्टिब्रेट्स से धीरे धीरे डेवलप हुए हैं ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए, ये जितना नीचे जाएंगे उतने प्राचीन ऑर्गेनिजम्स हमें पता चलेंगे। ये स्टार्टिंग में इनवर्टिब्रेट्स बने थे ये। ठीक है, एम्फीबियंस वगैरह, पाइसेस मतलब मछलियां, उसके बाद मैमल्स बने, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमल्स मतलब जो हमारी फैमिली है वो। ठीक है, तो ऊपर वाले जो होते हैं वो नए होते हैं प्राणी, और जितना नीचे जाएंगे उतना पुराने होते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14 एंड इट इज डेवलप्ड बाय विलार्ड लिबी। ही हैज बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज ऑफ 1960 for this invention. The age of the materials determined by this method are published in the journal Radiocarbon. ये साइंटिस्ट है जिन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड की खोज की थी। कनेक्टिंग लिंक्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नए प्राणी जो है, नए फैमिली के प्राणी जो है वो पूरे डेवलप होने से पहले उसके 50% प्रीवियस फैमिली और 50% नए फैमिली, ऐसे कुछ दोनों प्रॉपर्टीज होने वाले एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। ये एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम जब चैप्टर देखेंगे आप तब आपको पता चलेगा। 6th chapter जो है एनिमल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा डिटेल में। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व। देखिए, ये डक बिल प्लैटिपस है, ये लंग फिश है, और ये पेरिपैटस है। ये कनेक्टिंग लिंक्स है, इसमें आधे प्रॉपर्टीज नए
एनिमल्स के होते हैं और आधे प्रॉपर्टीज पुराने एनिमल्स के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। दो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं वो, लेकिन प्रॉपर्टीज उनमें दोनों अलग ग्रुप्स के होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल इन पेरीपैटस, पेरीपैटस नाम का एक प्राणी है। कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, मतलब डिवाइडेड बॉडी जो होते हैं, बॉडी के डिविजन्स होते हैं ना, देखिए ऐसे एनिमल्स, ये डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें डिवाइडेड है बॉडी। वर्म्स वगैरह जो होते हैं उनमें डिवाइडेड होती है बॉडी, तो उन्हें कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, क्यूटिकल जो है वो थिन होता है। एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पैरापोडिया मतलब जो छोटे छोटे पैर होते हैं ना, इन्हें कहते हैं पैरापोडिया। तो पेरीपैटस में सेगमेंटेड बॉडी होती है, थिन क्यूटिकल होते हैं और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैकियल रिस्पिरेशन। ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, मतलब श्वास नलिका जिससे श्वास लिया जाता है, रिस्पिरेशन करते हैं उसको ट्रैकिया कहते हैं। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, मतलब ब्लड ओपनली फ्लो होता है बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो होता। सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स, ये प्रॉपर्टीज जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आर्थ्रोपोड्स की है, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा फैमिली के होते हैं वो। और ये सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल वगैरह होता है वो एनेलिडा फैमिली के होते हैं। इनके बारे में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ठीक से पता चलेगा। अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं वो एनेलिडा फैमिली के होते हैं और आर्थ्रोपोडा के कॉकरोच वगैरह होते हैं। इन दोनों के प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं पेरीपैटस में। दिस इंडिकेट्स दैट पेरीपैटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, जैसे कि मैंने बताया। सिमिलरली डग बिल्ड प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स। देखिए मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, अंडों के द्वारा जन्म नहीं देते, लेकिन रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं। तो डग बिल्ड प्लैटिपस जो होता है वो अंडे देता है एक्चुअली, लेकिन मैमल्स की तरह उसमें दूध देने वाले ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड्स जिन्हें कहा जाता है, और बॉडी पर उनके हेयर्स भी होते हैं। मैमल्स के बॉडी पर ही हेयर्स होते हैं, लेकिन डग बिल प्लैटिपस एग्स अंडे देता है और उसके बॉडी पर हेयर्स होते हैं। ऐसे दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, रेप्टाइल्स के भी और मैमल्स के भी, ऐसे होते हैं। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग लंग फिश। देखिए फिश होने के बावजूद लंग फिश जो होता है वो लंग से रेस्पिरेशन करता है, बाकी जो फिश होते हैं वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन लंग फिश जो होता है वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। तो वो अर्धवट, मतलब आधा डेवलप हुआ जिन्हें कहते हैं। दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। एम्फीबियंस मतलब आधे पानी में और थोड़े कभी पानी में कभी जमीन पर रहने वाले एनिमल्स, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग होता है ना, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। रेप्टिलियस मतलब जो सरपटनारे प्राणी जला म्हणतात, सांप जैसे रेंगते हुए प्राणी। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स इन फिगर 1.10। देखिए यहाँ पर एम्ब्रियोज मतलब जो अंडों के अंदर या माँ के पेट के अंदर जो गर्भ होता है वो, उनके डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए गए हैं अलग अलग प्राणियों के। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। देखिए फिश है, ये सालामैंडर है, सालामैंडर। टॉर्टोइज है, ये कछुआ है। चिकन, पिग, काउ, रैबिट और मैन, अगर इनके फर्स्ट स्टेज देखेंगे आप तो एकदम ही सिमिलर है, एक दूसरे के साथ बहुत ही सिमिलर है। सेकेंड स्टेज में वो थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, और थर्ड स्टेज में वो काफ़ी अलग हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। इनसे भी हमें पता चलता है कि हमारा एंसिस्टर जो है वो कॉमन है, क्योंकि एम्ब्रियो सारे एक जैसे ही हैं फर्स्ट स्टेज में। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस एंड दोज सिमिलरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली। देखिए स्टार्टिंग में सारे एम्ब्रियोज एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है,
बाद में वो थोड़े थोड़े अलग होते जा रहे हैं। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। देखिए हमारा ह्यूमन बच्चा जो होता है, इंसानी बच्चा, उसके भी जो डेवलपमेंट होते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि हम दूसरे एनिमल्स से डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो तैरता हुआ होता है यूटेरस में, बाद में वो बच्चा बड़ा होते होते जब पैदा होता है तब स्टार्टिंग में वो चार मतलब हाथों पर और पैरों की मदद से चलता है, मतलब चार पैरों पर चलता है। तो उससे हमें पता चलता है कि पहले हमारा हम जो है वो चार पैरों वाले प्राणियों से बने हुए हैं। बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता है, दो पैरों पर चलने लगता है और बाद में फिर बोलने लगता है वगैरह, मतलब बोलने वाले इंसान जो है वो बाद में बने। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन न्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो स्पेसिमेंस ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो भी सबसे फिट होगा वो जिएगा और वो आगे बढ़ेगा, ऐसी उसने थ्योरी रखी। फॉर दिस पर्पज डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। उसने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम की किताब लिखी। वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। मतलब सारे प्राणी जो होते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भरपूर तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, भरपूर बच्चे पैदा करने की उनकी टेंडेंसी होती है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स कॉम्पीट विथ ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे के साथ जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में होते हैं। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशंस इसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप में जो बदलाव करवा लेते हैं, मॉडिफिकेशंस करवा लेते हैं जो आवश्यक होते हैं, वो कॉम्पिटिशन जीत लेते हैं और वो जिंदा रहते हैं। हाउ एवर बिसाइज दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिश। जो फिट होते हैं सबसे ज़्यादा वही ऑर्गेनिजम्स आगे आगे की पीढ़ी के लिए नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और वो नई स्पीसीज के तौर पर वो प्रेजेंट किए जाते हैं और बाकी के जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो नए ऑर्गेनिजम्स नए प्रॉपर्टीज के साथ पैदा होते हैं और उनके साथ नई स्पीसीज बनती है और वो उनके अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बनते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वेर रेज अगेंस्ट द थ्योरी। सम ऑफ मेन ऑब्जेक्शंस आर इसके खिलाफ, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस के खिलाफ भी कुछ ऑब्जेक्शंस खड़े किए गए, वो क्या है वो देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि केवल और केवल नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार फैक्टर नहीं है, बाकी दूसरे फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं इवोल्यूशन के लिए। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। कई बार क्या होता है कि यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, फिर वो चेंजेस क्यों आते हैं बॉडी में, क्यों वो मॉडिफिकेशंस आते हैं जो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, इसका उत्तर डार्विन के पास नहीं है। देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कभी कभी बदलाव फास्ट आ जाते हैं, कभी कभी स्लो आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डार्विन कुछ भी नहीं बता पाता। इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन। लेकिन डार्विन का महत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882। दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ही शोड दैट ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एक ही पूर्वज की मदद से आज के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हुए हैं, ऐसा डार्विन कहता है। ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवोल्यूशन। लैमार्किज्म जीन बैप्टिस्ट लैमार्क
proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind these morphological changes is activities or laziness of that organism. देखिए लामार्क ने ये बताया कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस के जो चेंजेस होते हैं वो कई बार इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो कई बार किसी ऑर्गन के ओवर यूज के कारण या फिर उसके ना यूज करने के कारण भी हो सकता है. ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट लैमार्क 1744 to 1829. लैमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन. This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in next subsequent generations too. तो अगले generations में भी वो बदले हुए जो रूप होता है वो sustain करता है और वो carry किया जाता है अगले कई सारे generations तक. Further, he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering movements. उसने ये बोला कि कई सारे generations तक ऊंचे जो plant होते हैं उसके पत्ते खाने के लिए लंबी मान करके उन्होंने अपनी गर्दन लंबी करके खाने की कोशिश के द्वारा जिराफ की गर्दन जो होती है वो लंबी होती जाती है, ऐसा वो उन्होंने कहा. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. जैसे ostrich होता है शुतुरमुर्ग शाहमृग जला म्हणतात मराठीत, और emu नाम का एक पक्षी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में. तो ये जो पक्षी होते हैं इनके विंग्स उनका यूज न किए कारण वो छोटे हो चुके हैं और वो यूजलेस हो चुके हैं. Legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. मतलब जो राजहंस और बतख जो होती है उनके पैर जो है वो मॉडिफाई हुए हुए हैं क्योंकि पानी में तैरने के लिए, वो पानी में रहते हैं इसलिए, और स्नेक्स के पैर गायब हो चुके हैं क्योंकि वो मिट्टी के अंदर बिल में रहते हैं इसलिए वो गायब हो चुके हैं. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब वो एक्वायर किए हुए कैरेक्टर्स है कमाए हुए, एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म, इसे लैमार्किज्म कहते हैं. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. तो ये तो एक्सेप्ट किया था कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं कई सारे एक्टिविटीज के कारण और डीजनरेशन, लेकिन उनका ट्रांसफर जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को होता है ये रिजेक्ट किया गया. बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड बाय मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड देयर बाय लैमार्क्स थ्योरी वॉज डिसप्रूव्ड. इसके कारण लैमार्क की थ्योरी रिजेक्ट की गई, अगले जनरेशन को ऐसे प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो पाते ऐसा प्रूव किया गया है, इसलिए लैमार्क की थ्योरी रिजेक्ट की गई. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. कलेक्ट द पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ मंकीज फ्रॉम द इंटरनेट. इंटरनेट पर जाइए, विकीपीडिया पर या गूगल पर जाइए और टाइप्स ऑफ मंकीज टाइप कीजिए, स्पीसीज ऑफ मंकीज टाइप कीजिए, आपको अलग अलग टाइप के जैसे लेमूर्स होते हैं, गोरिल्ला होते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसे कई सारे मंकीज के प्रकार आपको पता चल जाएंगे, आप देख सकते हैं. स्पेसिएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के कारण नए नए स्पीसीज बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के. स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल प्रोडक्शन. ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन. हर स्पीसीज जो होती है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रो करती है. देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट. हाउ एवर जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम
अर्लियर वन। तो जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण, जीन्स में वेरिएशन होने के कारण, जीन्स में बदलाव होने के कारण जो होता है नए स्पीसीज बनते हैं। बिसाइड्स ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन। मतलब अगर किसी आइलैंड पर कोई एनिमल्स वगैरह बहुत हजारों वर्षों तक रहते हैं तो उनमें भी कई सारे मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, अलग स्पेसीज जैसे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो ह्यूमंस है, कई सारे रेसेस है ह्यूमंस में भी। कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो ह्यूमन होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, फेंट कलर की स्किन होती है उनकी। जहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स पर रहने वाले जो होते हैं, अफ्रीकन रीजन्स में वगैरह, वहाँ पर ब्लैक डार्क स्किन वाले होते हैं। जहाँ पर थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी गर्मी होती है हमारे जैसे रीजन, वहाँ पर ब्राउन कलर की स्किन होती है। ऐसे कई सारे अलग अलग तरह के ह्यूमंस भी बन चुके हैं क्योंकि उनके आइसोलेशन हो चुका है। मतलब वो अपने अपने इलाके में कई हजार वर्षों तक जैसे कि कैद किए हुए थे, बहुत बड़े ज्योग्राफी के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट नहीं कर पाए। इस कारण ह्यूमन इवोल्यूशन, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टूडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए ह्यूमन का इवोल्यूशन नीचे दिया गया है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमूर्स। लेमूर्स नाम के एनिमल्स है, उसके बारे में आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपीयर्ड अबाउट 4 crore years ago। 4 crore वर्ष पहले उनकी टेल डिसअपीयर हो गई, पूंछ जो है वो डिसअपीयर हो गई ऐसा माना जाता है। दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, देयर हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व। उनके हैंड्स भी डेवलप हो गए, अपोजेबल थम हो गया। अपोजेबल थम मतलब ऐसा थम जो हाथों के चार ही बचे हुए उंगलियों को टच कर सकता है, ऐसा थम। हमारे इंसानों के और बंदरों के हाथों की यह स्पेशलिटी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए हमारा हैंड एबल होता है। मतलब हमारे थंब जो होता है, हाथ का अंगूठा जो होता है, वो हाथ के बचे हुए चारों उंगलियों को टच कर सकता है। ऐसा थंब जो है वो बाकी एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है, बस बंदरों में और इंसानों में ही होता है। वो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इवोल्यूशन में, इंसानी इवोल्यूशन में। मीनवाइल दीज एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इन टू गिब्बन एंड ओरंगउटान। ये भी बंदरों के प्रकार है, गिब्बन एंड ओरंगउटान। Remaining ape-like animals stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years ago. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. धीरे धीरे 2 crore वर्ष पहले से वो जो animals थे उन्होंने अपने हाथ अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे खाना खाना, या फिर वैसे उस समय धोते नहीं थे लेकिन ठीक है अभी तो धोते हैं। चलिए देखिए, एंशियंट एनिमल्स लाइक लेम्यूस, इतने साल पहले 7 crore years ago, फिर इजिप्टोपिथिकस 4 crore years ago, फिर ड्रायोपिथिकस, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के बीच के कनेक्टिंग लिंक से ही है, 2.5 crore years ago। रामापिथिकस, इसके जो फॉसिल्स है वो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पाए गए हैं इसलिए उसका नाम रामापिथिकस ऐसा रखा गया है, 1 crore years ago। बाद में उसके फॉसिल्स जो है वो उसके जैसे ही अफ्रीका में भी पाए गए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए गए, 40 lakh years ago। स्किल्ड ह्यूमन, जो अलग अलग औजार बनाने लगा, वेपन्स वगैरह बनाने लगा, 20 lakh years ago। फिर मैन विद इरेक्ट पोस्चर, जो खड़ा रह सकता था, इरेक्ट पोस्चर, 15 lakh years ago। नियंड्रथल मैन 1.5 lakh years ago। क्रोमैनॉन मैन जी साइलेंट है 50,000 years ago। और जो मॉडर्न ह्यूमन है होमोसैपियन वो हार्डली 30,000 to 40,000 years old है ऐसा माना जाता है। दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज
द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट, धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते गए ड्राई एनवायरमेंट के कारण. देयर लंबर बोन्स डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रास लैंड एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज, धीरे धीरे वो खड़े रहने लगे अपने दो पैरों पर, इसके जरिए उनके दो सामने वाले हाथ जो थे वो बाकी कामों के लिए अवेलेबल होने लगे. दीज फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोस्चर विच वेयर यूजिंग देयर हैंड्स हैव इवॉल्व अबाउट 2 crore ईयर्स एगो, ऐसा माना जाता है. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथिकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. Afterwards, this ape grown up in size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. 40 lakh वर्ष पहले वो डेवलप हुए. देखिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, स्टार्टिंग में ह्यूमन ब्रेन छोटा सा था, बाद में उसकी साइज बढ़ते गए और उसके फीचर्स भी बढ़ते गए, उनके क्रेस्ट और ट्रफ उसके ऊपर भी बढ़ते गए, मतलब ऐसे जो उबड़ खाबड़ एरिया है उस वो भी बढ़ते गए. वो जितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ एरिया ब्रेन पर उतना इंटेलिजेंट इंसान, ऐसा माना जाता है. द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ द जीनस होमो, होमो सैपियंस जिस स्पीसी से हम लागू होते हैं वो जिसका जीनस है, ये जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, उसके बारे में आपको एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पता चल जाएगा. अबाउट 20 लाख ईयर्स एगो एंड डज स्किल ह्यूमन डेवलप्ड. अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व. इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये चाइना में और इंडोनेशिया में भी थे ऐसा माना जाता है. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years and meanwhile it discovered the fire. बाद में उस इंसान ने फायर को इस्तेमाल करना सीखा, फायर को मतलब आग खुद से लगाना सीखा, उसको कंट्रोल करना सीखा. Brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as the member of the class वाइज मैन, होमो सैपियंस जिसे कहा जाता है, वाइज मैन होशियार आदमी मतलब होमो सैपियंस. नियनरेथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन. द क्रोमैनॉन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स एगो एंड आफ्टरवर्ड्स दिस इवोल्यूशन हैड बीन फास्टर दैन द अर्लियर, मतलब पहले मतलब 50,000 ईयर्स एगो से के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई इवोल्यूशन की. फिर भी कुछ मिसिंग लिंक्स है ऐसा माना जाता है और वो अचानक से डेवलप हुआ ऐसा माना जाता है. उसके मिसिंग लिंक्स आज भी नहीं पाए गए हैं, वो कुछ मतलब कैसा बदलाव आ गया अचानक से वो आज भी साइंटिस्ट को नहीं पता चला चुका है. अबाउट 10,000 ईयर्स एगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया. इट स्टार्टेड टू रियर एंड कैटल हर्ड्स Rear the cattle herds and establish the cities. Cultural development took place. Cultures develop होने लगे अलग अलग. Art of writing was invented about 5,000 years ago and thus the history had been started. Modern sciences emerged about 400 years ago and industrial society was established about 200 years ago. Industry शुरू हो गई 200 वर्ष पहले. And now we have reached at this stage and still we are searching the details of roots of human ancestry. इतने हम डेवलप हो चुके हैं आज, लेकिन अभी तक हमारे पूर्वज कहाँ से आ गए होंगे उसके खोज में हम लगे हुए हैं. ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पर हम रुकते हैं इस वीडियो में यहीं तक. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ भरपूर तरह से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूले, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता लगे. ठीक है, थैंक यू दोस्त, आपका दिन शुभ रहे.